हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग 8 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कंटिन्यू लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, एसवाई बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कंटिन्यू लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जितनी जल्दी पॉसिबल है वो सब्जेक्ट्स आपको करा के दिए जा रहे हैं। आपका आज का जो कॉन्सेप्ट है कॉमन साइज बैलेंस शीट, हमारा ये लास्ट रहेगा बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग जाएंगे इनकम स्टेटमेंट पे जाएंगे, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के बाद में कंबाइंड करेंगे, मींस जिसमें हमको इनकम स्टेटमेंट भी करना रहेगा, बैलेंस शीट भी करना रहेगा। बट आपको जो सम्स पूछे जाएंगे, अदरवाइज एक इनकम स्टेटमेंट रहेगा, एक बैलेंस शीट रहेगा, ध्यान रखना आपको ये चीज़, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। सर कॉमन साइज का लास्ट है और यही एक सम है जिसमें थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट आया। डिटेल कॉन्सेप्ट मतलब सर, जो हमारी लाइबिलिटीज होती है, सोर्सेस ऑफ फंड दो पार्ट में डिवाइड होता है, ओन फंड एंड लोन फंड। ओन फंड एंड लोन फंड, जिसको प्रोप्राइटर्स फंड भी बोला जाता है, जिसको बोरोड फंड भी बोला जाता है। ओन फंड में सर कितने टाइप है? दो टाइप है। एक तो हमारा होता है शेयर कैपिटल, सेकेंड हमारा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर हो गया। एंड अगर कोई एक्सपेंसेस हमारा फिक्टिशियस असेट्स वाला पार्ट अगर दिया है तो हो जाता है हमारा माइनस, ठीक है। एंड लोन फंड में सर आपने बताया था डिबेंचर आता है, लोन आता है, उसकी पोस्टिंग यहाँ पे करना है, आपको मिल जाएगा कैपिटल इंप्लाइड, मतलब लाइबिलिटीज का टोटल, सोर्सेस ऑफ फंड का टोटल मिल जाता है आपको। जब एप्लीकेशन ऑफ फंड अप्लाई करते हो तो कितने टाइप है सर? तीन टाइप है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट में दो पार्ट है, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट। इन्वेस्टमेंट में कोई पार्ट नहीं है। करंट असेट में आपको दो टाइप दिखाई देते हैं, क्विक एंड नॉन क्विक, जिसका फिलहाल तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, उसका टॉपिक यूज होता है हमारा अच्छे तरीके से रेशियो एनालिसिस में, याद रखना इस चीज़। लाइबिलिटी भी हमारी दो होती है, क्विक एंड नॉन क्विक, इसमें भी इस टॉपिक में ज़्यादा यूज तो नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल मिलेगा। देन आप लगाओगे 1 2 का 5, मीन्स 1 + 2 + 5 करोगे फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल का प्लस करोगे, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल मिलेगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। यही एक पहला समय जिसमें थोड़ी सी डिटेल चीज़ें आपको दिख रही है। लाइबिलिटी से स्टार्ट करना सर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व। अभी तक के समय शेयर कैपिटल डायरेक्ट देता था, बट यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, ओनर्स फंड का जो हमारा पहला पार्ट क्या है सर? शेयर कैपिटल। अब इसके अंडर का पार्ट देके रखा है क्या क्या सर? इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मैं लिख देता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्या दिया था सर? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शॉर्ट में लिखा मैंने यहां पे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपको क्या करना है यहाँ पे, अमाउंट लिख देना। अमाउंट कितना दिया सर? 250, तो आप लिख दो यहाँ पे 250। सेकेंड अमाउंट कितना दिख रहा है सर? 150 टोटल कर लिया, 4 लाख। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट हमारा इसमें जनरल रिजर्व भी तो प्लस होता है, मतलब सेकेंड पार्ट हमारा जनरल रिजर्व का भी तो रहता है। सेकेंड पार्ट के आपका इसमें जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आपको कितना दे के रखा है सब में, ध्यान से क्वेश्चन देखो, 2 लाख और ये बाहर हो जाएगा 6। क्लियर हो गया, जहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हमारा सर 8% डिबेंचर है, तो ये किस में आएगा हमारा सर? लोन फंड में। 8% डिबेंचर, ये भी सीधा क्या करो आप, आउटर में कितना दिया है सर डिबेंचर, आपको कितना दिख रहा है डिबेंचर? 1,50,000 टोटल कर लो, 750। आई होप यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे का जो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल है आपको ही पता हो, करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, तो मैं इसी टाइम लिख देता हूँ आपका क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितना आपको? बिल्स पेबल कितना आपका? 50,000।
टोटल 150। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर है। अब लाइब्रेटीज की पोस्टिंग एक साथ करा दिया, अब असेट में जाएंगे। असेट में क्या दिया सर? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अभी तक के हर समय फिक्स असेट आपको डायरेक्टली दिया था, बट यहाँ पे डायरेक्टली ना देके वहाँ पे लिख दिए हैं डिटेल। तो सबको पता ही है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो होता है हमारा फिक्स असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट हमारा सर मशीनरी, नेक्स्ट फर्नीचर, मशीनरी फर्नीचर। क्लियर? अमाउंट लिख देते हैं हम लोग 2 लाख, 2,50,000, 2 लाख, टोटल कर लूंगा 650। आउटर कॉलम में गया, यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। इन्वेस्टमेंट भी सर डायरेक्टली देख के रखा है, 90,000 का इन्वेस्टमेंट है हमारा, तो आप लेके जाओ 90,000 का इन्वेस्टमेंट, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। करेंट एसेट की चीजें हमारी सर देके रखी है, क्या क्या, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल्स। एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, चलिए उसको लास्ट में सेटलमेंट कर लेंगे, हम लोग ने एंट्री देखी नहीं। करंट एसेट की चीजें पहले रिकॉर्ड कर देते हैं सर, क्या क्या देके रखा था? स्टॉक दिया है, नेक्स्ट हमारा डेटर्स देके रखा है, डेटर्स के बाद कैश दिया है, बिल्स दिया है। चलिए अमाउंट स्टॉक का आपका कितना दिख रहा है? 35,000, तो स्टॉक आप लिख दो 35,000। स्टॉक के बाद डेटर्स हमारा है 50,000, तो मैंने लिखा डेटर्स हमारा 50,000। कैश कितना आपका है? कैश 40 है सर, कैश 40,000। नेक्स्ट हमारा बिल्स आपका 30,000। टोटल करके आउटर, आउटर नहीं सॉरी इनर ही रखना है, क्योंकि अभी माइनस भी करना है आपको, तो टोटल आपको ले लेना है, तो टोटल आपका आएगा एसेट का 155। कितना आ रहा है? 155। इसमें से ये माइनस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा सर आपका वर्किंग कैपिटल कितना आएगा? 5। क्लियर? कैसे आया यहाँ पे मेंशन कर दो, 3rd-4। अब जो थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे असेट साइड में आप देखोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दिया था, तो जो यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ेगा, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना सर? अब ये आपको आउटर में ना रख के इनर में रखना पड़ेगा, 5,000 था, माइनस कर दूंगा तो 595 आ जाएगा, तो जो आप टोटल करेंगे तो 75 को यहाँ पे कम कर दूं, 45। बस यही चेंज करना था। ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मुझसे मिस्टेक हो गया वैसे आप लोग से ना हो, इसलिए मैच कर लेना कि कोई भी फिक्टिशियस असेट तो नहीं देके रखा है, दिया रहेगा तो चीज़ ध्यान रखना उसकी एंट्री यहाँ माइनस हो जाती है हमारे नेटवर्थ से, मतलब नेटवर्थ मीन्स शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व के बाद जो टोटल आता है नेटवर्थ, उससे वो माइनस हो जाती है। ठीक है सर, अब इसका टोटल आपको कर लेना है, किसका टोटल सर? 650 + 90 आप कर लोगे तो हो गया आपका 740 + 5, 745 राइट चल रहा है। क्लियर? यहाँ तक ठीक था। अब आपको जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, सुनना है, समझना है। लाइबिलिटीज का करा देता हूँ, आपको असेट साइड का करना है। आपको क्या करना है, जो टोटल आता है वहाँ पे लिख दो 100, दोनों केस में 100 लिख देना है। क्लियर? ध्यान से सुनना समझना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। 100 लिखा, चलिए कैलसी पे आप ले लो 2,50,000, 2,50,000 लो, 2,50,000 कैलसी पे आपने लिया, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। यहाँ ध्यान रखना है इसका मल्टीप्लाई लेना है, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। क्लियर? हाँ सर क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 सबसे लेना, डिवाइड लास्ट में ये करना है, मतलब सर 2,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 745, 150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 745, 4,00,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 745, 2,00,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 745। तो परसेंटेज आपका आता रहेगा, जैसे परसेंटेज आपने फर्स्ट निकाला 250 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल किया, तो जो आपका परसेंटेज आया 33.56, तो आपको परसेंटेज में लिख देना
है। क्लियर? हाँ सर क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं है हमारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड कर दो आप 7,45,000, तो जो आपका परसेंटेज आएगा 20.13। नेक्स्ट आप करोगे सेम वैसे 4,00,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 7,45, तो जो आपका आंसर आ रहा है 53.69। नेक्स्ट हमारा 20,000 मल्टीप्लाई 20,000 रिजर्व आपका कितना है, सॉरी 2,00,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 7,45, तो ये आप करोगे तो आपका कितना परसेंटेज आ रहा है वहाँ पे 26.85। 6,00,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 7,45, तो आपका आंसर जो आएगा 6 वाला कितना आ रहा है आपका 80.53। चलिए नेक्स्ट 5,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 7,45, तो आपका आंसर आएगा कितना सर 0.67 आ रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना। चेंज क्या करना सर, जब आपके दोनों कॉलम में परसेंटेज अमाउंट आ रहा है तो परसेंटेज का भी दो कॉलम कर लेना। कैसे कॉन्सेप्ट करोगे ध्यान से रखना, फर्स्ट कॉलम का जो था उसका परसेंटेज मैंने फर्स्ट में लिखा, अब ये जो सेकेंड का है यहाँ दिख रहा है, तो इसका परसेंटेज आप सेकेंड टेबल में कर दोगे। कैसे, 595 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय सेम वही रूल चलेगा 7,45,000 करोगे तो जो आपका आंसर आया 545 का 79.86, तो आपको यहाँ लिखना है 79.86। 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 7,45,000, तो आपका आंसर जो आएगा 20.14। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, परसेंटेज का एक टेबल आप बढ़ा लेना है यहाँ पे, जब इस तरीके से अमाउंट आपका ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ पे भी सेम करना है। आई होप आप लोग कर लोगे। मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई सर करना है 100, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करा दिया, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, इसका परसेंटेज ये वाले टेबल में लिखूंगा। रूल वही है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टोटल, यही रूल से चलना है आपको। आई होप यहाँ तक हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मतलब सीधा सीधा बोला जाए, एक तो फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेट बहुत बड़ा नहीं है, कंटिन्यू अगर जो बच्चे सीरीज के साथ ऐड हुए हैं तो उनको अब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया रहूँगा, क्योंकि जितने टाइप्स ऑफ सम बन सकते हैं, चाहे आपके ट्रेंड एनालिसिस के हों, चाहे कॉमन साइज के हैं, चाहे कॉम्परेटिव बैलेंस शीट के बात हो, तीनों का बैलेंस शीट मैंने क्लियर करा के आपको दिया है, तीनों का हर मतलब एटलीस्ट दो सम तो प्रैक्टिस करवा के ही दिए हैं। बाकी आपका जो भी एक्सरसाइज में रहेगा आप प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज इतने सम बहुत इनफ हो जाते हैं, इसके बाद कुछ नहीं पूछे जाएंगे, कुछ डिफरेंट आइटम पूछे जाएंगे, इतना तो आपको पता होना चाहिए। फिक्स एसेट में क्या आता है, करंट में क्या आता है, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल में तो दो ही आते हैं, वो भी आपको यहीं पे दिख गया। रिजर्व तो डायरेक्टली हर सब में दिया रहता है, उसमें क्लासिफिकेशन नहीं करते, आपके सिलेबस में नहीं करते, सिलेबस क्लासिफाई तो है बट आपके सिलेबस में नहीं है। लोन फंड में दो ही चीज़ हमको सर दिख रही है, डिबेंचर दिख रहा है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दिख रहा है, बस इसके बाहर कोई टॉपिक नहीं जाएगा। बस इंपॉर्टेंट है कि उसके आगे का जो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है वो आप कैसे कैलकुलेशन करते हो, तो तीनों में अलग अलग चलता है। जैसे ट्रेंड में क्या होता है कि जो हमारा स्टार्टिंग का जो ईयर रहता है उसको आप क्या मान लेते हो, बेस ईयर मान लेते हो सर, उसके बेस पे परसेंटेज निकालते हैं। कॉम्परेटिव में सर क्या करते हो, एब्सोल्यूट चेंज निकालते हो, इंक्रीज डिक्रीज करते हो, देन उसका परसेंटेज भी निकालते हो। इसमें क्या करते हैं सर, इसमें तो हम लोग बेस किसी ईयर को ना मान के हम लोग इसके बैलेंस शीट के टोटल को मान लेते हैं, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड को मान लेंगे, एंड जब इनकम स्टेटमेंट करेंगे तो वहाँ पे सेल्स को हम लोग क्या मान लेंगे, बेस मान लेते हैं 100%, और उससे कंपेयर करके परसेंटेज निकालते हैं। फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक के रिगार्डिंग रहेगा, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना आप। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, जितने भी बच्चे हैं वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को फर्स्ट लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, जितनी जल्दी पॉसिबल हो पा रहे, जितने सब्जेक्ट पॉसिबल हो पा रहे आपके लिए ट्राई किया जा रहा है, स्पीड में थोड़ी सी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अदर टॉपिक अदर सब्जेक्ट के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।